क्या मुल्क में दोबारा लॉकडाउन लग सकता है? जी हाँ नाज़रीन, सारे मुल्क में फ़िलहाल इसी पर बहस चल रही है। आइए इस बारे में तफसीलात जानते हैं। मुल्क में बहुत तेज़ी के साथ कोरोना वबा फैल रही है और कई रियासतों में इस वबा को रोकने के लॉकडाउन जैसी सख्त पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। जिन रियासतों में ये पाबंदियाँ आयद की गई हैं, इनमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान शामिल है। लेकिन जिस तरह से ये वबा पूरे मुल्क में फैल रही है, अब लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होने लगा है कि क्या मुल्क में एक मरतबा फिर मुकम्मल लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत है। इस पर राय मुनकसम नज़र आ रही है। न्यूज़ पोर्टल आज तक पर शाये खबर के मुताबिक प्रोफेसर गिरिधर बाबू का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि पूरे मुल्क में लॉकडाउन की ज़रूरत है, क्योंकि हम इस वायरस के फैलने के तरीके को समझ नहीं पा रहे हैं और हमें यह समझना होगा कि इस वायरस का मरकज कहां पर है। उन्होंने कहा कि जैसा कर्नाटक में बेंगलुरु है, ऐसे में पूरी रियासत में लॉकडाउन लगाने का क्या मतलब है। प्रोफेसर गिरिधर ने मजीद कहा कि हम कंटेनमेंट जोन बनाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं, लॉकडाउन सिर्फ ज़िला या शहर के सतह पर नाफिज करना ठीक होगा। उन्होंने कहा कि हमें तादाद घटाने पर जोर देना होगा ताकि अस्पतालों पर बोझ कम हो। दूसरी जानिब कर्नाटक हुकूमत की कोविड टास्क फोर्स के रुकन डॉक्टर विशाल राव का कहना है कि लॉकडाउन तैयारी का एक वक्त देता है, लेकिन लॉकडाउन के लिए भी तैयारी ज़रूरी है। वाज़ह रहे कि लॉकडाउन के दौरान टीका लगवाने की रफ्तार भी सुस्त पड़ सकती है। वाज़ह रहे कि लॉकडाउन का सीधा असर गरीब योमिया मजदूरों पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। इनका ना सिर्फ रोज़गार का जरिया माश ख़त्म हो जाता है, बल्कि ज़रूरतें पूरी करने के लिए कोई रास्ता नज़र नहीं आता, और ऐसे में बड़ी तादाद में जो लोग बड़े शहरों से अपने गांव की जानिब हिजरत करते हैं, इनकी हिजरत करने की वजह से छोटे मोटे काम बुरी तरह मुतासिर होते हैं।